स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को तो स्टूडेंट्स रेक्टिफायर हमारे पास एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें हम कंपोनेंट्स को ज्वाइन करते हैं जिसके थ्रू अल्टरनेटिंग करंट जो है वो ऐसे चेंज होता है कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करे ठीक है तो शुरू जैसे कि हम जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास ऐसा करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ एक ऑल्टरनेटिंग करंट का टाइम के साथ तो जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट पहले एक डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता जाता है तो ये जो हमारे पास रेक्टिफायर है ये तो स्टूडेंट्स रेक्टिफायर के थ्रू इसी ऑल्टरनेटिंग करंट को ऐसे मॉडिफाई किया जाता है कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है ठीक है जैसे कि यहाँ पे दोबारा मैं ग्राफ बना रही हूं जिसमें अब मॉडिफाई हुए हुए ऑल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पे बना रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये जो हमारे पास रेक्टिफायर होता है स्टूडेंट्स इसके अंदर डायोड्स मौजूद होते हैं और डायोड्स हमारे पास ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं और साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो रेक्टिफायर है वो फुल वेव रेक्टिफायर है क्योंकि पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फुल वेव है वो एक डायरेक्शन में अब हमारे पास आउटपुट में आई है ठीक है क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव साइकिल है वो भी हमारे पास आया है एक ही डायरेक्शन में और जो हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल था वो भी कन्वर्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में आए जबकि हमारे पास इस तरह के भी रेक्टिफायर्स होते हैं जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं दैट मींस के वो रेक्टिफायर्स सिर्फ हाफ साइकिल को ही एक डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं ठीक है तो उनका जो आउटपुट आता है वो हमारे पास कुछ ऐसा आता है यानी कि जो हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होता है वो कट हो जाता है तो यहां पे मैं रिप्रेजेंट करती हूं कि ये मेरे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर ठीक है जिसे मैं एच डब्ल्यू से यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ ठीक है और ये जो हमारे पास दूसरी वेव फॉर्म आई है ये हमारे पास आई है फुल वेव रेक्टिफायर की ठीक है और साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि जो हमारे पास रेक्टिफायर है वो ब्रिज रेक्टिफायर है तो स्टूडेंट्स ब्रिज रेक्टिफायर एक खास अरेंजमेंट होती है और यहाँ पे हमारे पास चूंकि डायोड्स हैं तो डायोड्स जिन ब्रांचेस में मौजूद हैं, उन ब्रांचेस को खास अरेंजमेंट से ज्वाइन किया दूसरे से, तो उसे कहते हैं ब्रिज ठीक है ब्रिज अरेंजमेंट उसको कहा जाता है तो दैट मीन्स हम जो अब डिस्कस करेंगे डिवाइस सर्किट वो हम डिस्कस करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को एक सर्किट डायग्राम के थ्रू तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने एक सर्किट डायग्राम पुट की है ठीक है जिसमें हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स मौजूद है और साथ ही आगे हमारे पास चार डायोड्स यहाँ पे मौजूद हैं जिसको हमने कहा है कि ये हमारे पास ब्रिज अरेंजमेंट है इन डायोड्स की ठीक है और साथ ही हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है इस सर्किट में तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा अल्टरनेटिंग uh, करंट का ठीक है यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते कि जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा इनपुट में ठीक है इनपुट के लिए यहाँ पे आई लिखूंगी और जो मैं आउटपुट यहाँ पे ड्रॉ करूंगी उसके लिए यहाँ पे मैं ओ से डिनोट कर रही हूँ ठीक है कि ये जो ग्राफ होगा ये मेरे पास आउटपुट का आएगा तो सुनो सबसे पहले ये समझने के बाद है कि जो हमारे पास डायोड होता है Uh, उसकी खासियत ये होती है कि फॉर एग्जांपल uh, एक डायोड का सिंबल यहाँ पे मैं बना रही हूँ जिसमें हमारे पास एक एरो है और एक यहाँ पे लाइन मौजूद है तो ये जो एरो है ये हमें शो कर रहा है कि ये डायोड का पी टाइप रीजन है यानी कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ठीक है और ये जो लाइन है ये शो कर रही है एन टाइप रीजन को यानी कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जाति है तो अगर इस uh, पी एन जंक्शन को यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड को एक बैटरी के साथ इस तरह से अटैच किया जाए कि हमारे पास जो पी टाइप रीजन है वो उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो और जो एन टाइप रीजन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं फॉरवर्ड पाइसिंग ठीक है pricing, और इस अरेंजमेंट में हमारे पास करंट फुली इस डायोड में से फ्लो होता है जबकि इसके मुकाबले में अगर हम ऐसी अरेंजमेंट करें सर्किट में कि जो हमारे पास डायोड है उसके पी टाइप रीजन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच हो रहा हो ठीक है और जो इसका हमारे पास एन रीजन है उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच हो रहा हो तो ये हमारे पास आती है रिवर्स पाइसिंग ठीक है और इस टाइप के सर्किट में हमारे पास करंट फ्लो नहीं होता तो स्टूडेंट्स को जहन में रखते हुए अब हम रेक्टिफायर को डिस्कस करते हैं कि देखें जब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमारे पास पोलैरिटी आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास पॉजिटिव है और नीचे हमारे पास नेगेटिव है तो जो हमारे पास करंट है सर्किट में वो आप इन एरोहेड्स के थ्रू देख सकते हैं कि उसका जो फ्लो का पाथ है वो कैसे बन रहा है कि देखें पहले वो इस ग्रीन एरो हेड के थ्रू इस पॉइंट तक आया है फिर इस डाय डी टू के बाद वो वापस इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की तरफ गया अब आप ये सोच रहे होंगे कि देखें यहाँ पे हमारे पास दो डायोड्स और भी अटैच है वहां से करंट पास क्यों नहीं हुआ तो अब हम डिस्कस करेंगे कि देखें, देखें रेक्टिफायर काम कैसे कर रहा है कि इस वक्त हमारे पास जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो तब हमारे पास इन दो डायोड्स में से करंट पास क्यों नहीं हो रहा तो शो होगा क्या क्या देखें जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी है तो हमारे पास इस पॉइंट पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ रही है हमारे पास ये जो डी वन है इसके इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी है ठीक है इसको मैं दूसरे कलर से यहाँ पे शो कर देती हूँ ताकि वाजे हो जाए यहाँ भी पॉजिटिव पोलैरिटी है तो इसी तरह से जो हमारे पास ये डायोड है ठीक है इसके भी जो एन रीजन की तरफ हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी ठीक है तो करेस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो का एन रीजन है उसकी तरफ हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी है और इसके साथ जो दूसरा डायोड आप देख सकते हैं उसके पी टाइप के साथ हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी आ रही है इसी तरह से जब हम दूसरे दो डायोड्स का देखें तो वहां पर हमारे पास जो डी uh, टू है उसकी तरफ नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी ठीक है क्योंकि यहां से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो की uh, की तरफ तरफ, से हमारे पास polarity आ रही है D2 की तरफ, वो negative है, वो तो यहाँ पे हमारे पास होगी नेगेटिव पोलैरिटी दोनों डायोड्स की तरफ और साथ ही इनकी करस्पॉन्डिंगली हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटीज भी आ गई तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डी वन और डी टू है ये हमारे पास फॉरवर्ड हैं। ठीक है क्योंकि हमारे पास वही सेम यहाँ पे आ रहा रहा है है डायोड का कि ये फॉरवर्ड बायस हो है क्योंकि पी टाइप के साथ पॉजिटिव पोलैरिटी हमारे पास मौजूद है जबकि हमारे पास जो दूसरे वाले डायोड हैं वो रिवर्स बायस हो रहे हैं उनके अंदर से करंट पास नहीं हो रहा क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनकी वही अरेंजमेंट आ रही है जैसा कि रिवर्स बायसिंग में होती है तो इसलिए इनमें से करंट पास नहीं हो रहा तो जो हमारे पास आउटपुट है उसमें हमारे पास करंट का आउटपुट आएगा D1 और D2 की वजह से जो कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं तो स्टूडेंट्स इस तरह जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा करंट का तो तब हमारे पास पोलैरिटी चेंज हो जाएगी ठीक है पोलैरिटी उल्टेगी तो हमारे पास जो सर्किट डायग्राम आएगी वो इस तरह की आ रही है कि देखें हमारे पास अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ठीक है वो किस तरह से फ्लो कर रहे है कि देखें जो हमारे पास अपोलाइटी है वो नीचे पॉजिटिव साइन आ गया है और ऊपर नेगेटिव आ गए तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पॉजिटिव पोलेटी है उसकी तरफ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो वो सबसे पहले अब फ्लो हो रहा है डी थ्री में से फिर वो फ्लो हो रहा है लोड रेजिस्टेंस में से फिर वो आया है डी फोर की तरफ और डी फोर की तरफ से वो वापस करंट सोर्स की तरफ जाके सर्किट को कंप्लीट कर रहा है तो सुनो जहां पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो डी वन और डी टू थे उनमें से करंट पास नहीं हो रहा तो ये भी वही चीज हो रही है कि जो हमने डिस्कस की थी कि जो डी वन है डी टू ये दोनों अब रिवर्स बायस हो रहे हैं तो अब दोबारा से हम पोले ज को देखते हैं कि अब हमारे पास पोलैरिटीज किस तरह से आएंगी तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर पोलिटीज आ जाएंगी जबकि हमारे पास जो डी थ्री और डी टू इनके निचली साइड पर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव पोलैरिटी ठीक है और करेस्पोंडिंगली दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था फॉरवर्ड uh, बाइज को और रिवर्स बाइस को ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोलैरिटीज के जैसे D3 और D4 हमारे पास फॉरवर्ड बाइस बन रहे हैं क्योंकि इनके P रीजन के साथ uh, जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है N के साथ नेगेटिव uh, पोलैरिटी है जबकि अब हमारे पास D1 और D2 जो है वो रिवर्स बाइस हो रहे हैं और, और उनके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा तो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास सेकेंड साइकिल आएगा वो हमारे पास आएगा D3 और D4 की वजह से और दूसरी खास बात ये होगी कि अब जो साइकिल आएगा वो भी हमारे पास एक ही डायरेक्शन में फ्लो वो मौजूद होगा उसकी वजह ये है कि यहाँ आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि देखें हमारे पास ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसमें से डाउनवर्ड uh, जो है डायरेक्शन है हमारे पास करंट के फ्लो की इसी तरह से जो हमारे पास पिछली पोलैरिटी थी उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन थी वो सेम थी ठीक है ना तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट का इनपुट था ठीक है वो अब ऐसे उल्टा है कि हमारे पास आउटपुट में अब करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा जिसमें हमने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को डिस्कस किया है